अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम कासमी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ बदलती हुई इस रुत को, बारिश के मौसम को स्पेशली कराची में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। हमने देखा कि सुबह सवेरे ही जैसे मैं उठी हूँ तो बाहर ऐसे बादल गरज रहे थे सब, हाँ। जैसे मुझे लगा कि शायद आज कयामत आ गई है और एकदम से मेरी आवाज़ आज अलार्म की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि मुझे लगा कि आज तो भाई कुछ हुआ ही है। बाहर मैं उठ के गई हूँ और मैंने देखा कि जी ना सिर्फ बारिश बल्कि ओले पड़ रहे थे, मतलब कराची जिसे हम उम्मीद नहीं करते कि यहाँ पर बारिश भी होती है कभी, और बारिश के अगर हो भी जाती है तो बूंदाबांदी की हद तक होती है, वहाँ पर ओले पड़े। तो ये हम लोगों के लिए, कराची वालों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो ये सुबह सवेरे का आगाज़ है बड़ा खूबसूरत हुआ होगा। लेकिन जब बारिश हो रही थी और मैं देख रही थी बारिश को, तो मैं यही दुआ कर रही थी कि या खुदा इस बार अब्रे करम इस तरह से बरसे कि हमारे तमाम जो मुल्क दुश्मन हैं उनके तमाम अजाइम पानी में मिल जाएं, क्योंकि कल हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया आया। एक बार फिर से बलूचिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। क्वेटा के अंदर 9 कीमती जानें जो हैं वो लुकमाए अजल बन गई। दहशतगर्दों ने अपने जो नापाक अजाइम थे उनको कामयाब बनाने के लिए एक चर्च पर हमला किया। हमारे तमाम जो क्रिसमस के जो अभी त्यौहार आगे आने वाले हैं, जो भी हमारे ईसाई भाई बहनों के ये त्यौहार आने वाले हैं, उसमें हमने देखा कि बड़े एक्साइटेड थे सब लोग, दुआया तकारीब हो रही थी, संडे था, वैसे ही चर्च जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तकरीबन 400 अफराद जो थे वो कल चर्च में मौजूद थे जहाँ जब ये हमला हुआ है। लेकिन डेफिनेटली अपनी फोर्सेज को भी हम सलाम पेश करना चाहेंगे जिन्होंने ऑन टाइम एक्शन भी किया। इस वक्त हम देख रहे हैं तमाम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जानिब से मजम्मती बयान भी आ रहे हैं। इवन आर्मी चीफ ने भी जो है वो हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स को बेहद सराहा है। लेकिन बात जो है वो अपनी जगह है कि ये वाकया जो है वो क्वेटा के अंदर ना तो रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही इस तरह के हालात अब तक पैदा हुए हैं कि बात मजम्मती बयानात से बढ़कर आगे निकल सके। लेकिन जो भी तमाम सिचुएशन रही, हम अपनी कौम को और जो तमाम ये दहशतगर्द हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे किसी कोई भी अजाइम जो है वो हमारे हौसले ना तो पस्त कर सकते हैं और ऐसी घड़ियों में भी हम अपने ईसाई भाइयों के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल ईसाई भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कल क्वेटा ब्लास्ट हुआ जिसके हवाले से आज टीवी आपको अपडेट करता रहा, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। लेकिन आज सुबह की जो ताज़ा खबर है वो ताज़ा खबर है जनाब मौसम के हवाले से, और मौसम है बड़ा सुहाना और हर कोई बड़ा खुशगवार मूड में है। मुझे ही देख लीजिए कि कितनी जल्दी में जो है वो बगैर मेकअप के रेडी होकर आ गई, और जल्दी से मैंने सोचा कि नहीं जी आज तो गुड मॉर्निंग आज में बैठना है क्योंकि मौसम के बायस जो है ट्रैफिक भी जैम हो जाता है, ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल हो जाती है। अच्छा जनाब, कई इलाकों में बिजली भी नहीं है तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया है कि 118 के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। साथ साथ जो भी बर्की आलात हैं उनसे आपको दूर रहने के लिए कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि जी शहरी जो है गैर जरूरी बाहर निकलने से जो है वो इज्तनाब भी बढ़ते हैं। तो जनाब ये तो सूरत हाल है मौसम के हवाले से, जहाँ पर मौसम इंजॉय किया जा रहा है, शहर कायद में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश का सिलसिला भी जारी है। तो ये सिलसिला जो है ये 12 बजे तक कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रहेगा। और अब कुछ बात करते हैं सियासी खबरों की। तो सियासी मैदान से जो है वो खबरें डेफिनेटली नून लीग के हवाले से है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि कल पेशी है। आज इसहाक डार साहब के हवाले से भी जो है डेवलपमेंट होने वाली है, और हमने देखा कि कल अमीर जमात इस्लामी ने भी एक जो है मिलियन मार्च से खिताब किया है, अलकुद्स रैली से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं यही कहता हूँ कि इस्लामी इत्तेहाद भी फौज बनानी चाहिए और साथ साथ एक एजेंडा देना चाहिए इस फौज को। और उन्होंने कहा कि जी उनका जो मैनिफेस्टो है जमात इस्लामी का, वो 2018 में भी यही मैनिफेस्टो होगा कि उनकी पार्टी जो है आगे बढ़ेगी, कश्मीर के लिए काम करेगी और अलकुद्स के लिए काम करेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर होने की दावत भी देता हूँ कि तमाम लोग इस मामले पर जमा हों। और मिलियन मार्च से जितने भी लोग खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा जी अहले कराची का बेइंतहा शुक्रिया। साथ साथ दूसरी जानिब हमने देखा कि जलसों की जो बहार है वो संडे वाले दिन बड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि संडे वाले दिन ऐसा होता है कि हम ये सोचते कि जी खबरें नहीं आती हैं, न्यूज़ जो है उसमें बुलेटिन जो है बड़े लाइटर वे में चलते हैं, लेकिन आजकल संडे वाले दिन जो है सबसे ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, जलसे भी हो रहे होते हैं और खिताबात भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद ने भी खिताब किया और उन्होंने यही कहा कि जी मैं जानता हूँ कि जो इंडिया है वो इन तमाम साजिशों में मसरू जो है वो मुलविस है। तो डेफिनेटली सियासी मैदान से तो कुछ इस तरह की खबरें हैं। साथ साथ अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो
तो एशेज सीरीज में भी जो है वो कुछ जबरदस्त किस्म का गेम हो गया है, और गेम ये हो गया है उसके अंदर कि इंग्लैंड जो है उसकी बाजी पलटने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अब बाजी मार ली है और मिचेल स्टॉक की जो गेंद है उसको इस सदी की बेहतरीन गेंद जो है वो करार दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जेम्स विनस को आउट किया है, उसके बाद कप्तान हो या फिर वसीम अकरम हो और दीगर शेन वॉन हो, जितने भी लोगों उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है उनको कि इतनी ज़बरदस्त उन्होंने वो गेंद कराई थी एशेज सीरीज में कि उसको इस सदी की बेहतरीन गेंद करार दिया है। दूसरी जानिब T20 लीग की बात की जाए, T10 लीग की बात की जाए, तो उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जीत लिया गया है, और कल T10 लीग के हवाले से जोशो खरोश भी पाया जा रहा था। इस तरीके से मैचेस होते हैं तो डेफिनेटली कौम का मुराल भी बुलंद होता है, खिलाड़ियों में भी हौसला आता है और जज्बा आता है, और साथ साथ मौसम भी है, सियासी मौसम भी है। इन तमाम खबरों के हवाले से हम आज बात भी कर रहे हैं, और गुड मॉर्निंग आज में साथ साथ गरम गरम जो है वो चाय भी है शाकिर भाई की मज़े मज़े की। तो अब बढ़ेंगे हम हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। शहर कायद में रात गए तूफानी बारिश ने शहरियों को नींद से जगा दिया। कराची में मौसम सरमा की पहली बरसात से जल थल एक हो गया। वलीर समेत कई इलाकों में यालाबारी। महकमे मौसमियात वाले कहते हैं सेंटीग्रेड 10 से 14 ग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश होते ही शहर में बिजली की आंख बचोली भी शुरू। कहता मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। तुमने कभी जिंदगी में तहरीक चलाई है? कभी कीदड़ तहरीक चला सकता है? इमरान खान ने ओकाड़ा से साबिक वजीर आजम पर ताक ताक कर निशाने लिए। बोले नवाज शरीफ कहते हैं अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। क्या उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ कोई तहरीक चलाई? इन जैसे गीदड़ कभी तहरीक चला ही नहीं सकते। वजीर आजम को अकामे पे निकाल दिया जाता है और वो शख्स जो तस्लीम कर रहा है, इतराफ कर रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में, और हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। और ये इमरान खान नाअहली केस के फैसले से नाखुश, नवाज शरीफ दिल की बात जबान पर ले ही आए। अदलिया पर तनकीद करते हुए बोले मुझे ख्याली तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया गया, जबकि ऑफशोर कंपनी का इतराफ करने वाले को छोड़ दिया गया। बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में ये सौदा अब नहीं बिकेगा, इंसाफ का ये दोहरा मयार नहीं चलेगा, इसके खिलाफ तहरीक जरूर चलाएंगे। और दहशतगर्दों ने कोयटा में क्रिसमस की खुशियां मनाने वालों को खून में नहला दिया। तो ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे और बहुत सी बातें करेंगे मौसम के हवाले से, चूंकि मौसम हो चुका है बहुत ही सुहाना, तो मुख्तलिफ शहरों से भी अपडेट हासिल करेंगे कि वहां वहां पर किस तरह से आज के मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। प्लस वीक का पहला दिन भी है तो मंडे के हवाले से बहुत सी एक्टिविटीज हैं, बहुत से इजलास हैं, जिस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज चले जनाब, इस वक्त हमारे पास है अखबारात की खबरें, और जंग अखबार इस वक्त मेरे पास है, और जंग जो है उसमें क्या है, जंग में डेफिनेटली कोयटा के हवाले से जो है वो खबर है, और कोयटा के हवाले से यहाँ पर खबर है कि कोयटा चर्च पर हमला, 9 जहाँ बाहक। इतवार की दुआया तकरीब को निशाना बनाया गया, 2 खुदकुश बमबार मारे गए, 2 फरार, जबकि मरने वालों और जख्मियों में औरतों और बच्चे भी शामिल हैं, और मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कल जब जैसे ये खबर आई है तो आज न्यूज़ की जानिब से बाकायदा तौर पर इसको ब्रेक किया गया, और आज न्यूज़ से सबसे पहले अपने नाज़रीन को ये खबर दी और बताया कि किस तरीके से ये वाक़या पेश आया। जो हमारे वहाँ पर रिपोर्टर्स थे, जो हमारे वहाँ पर ब्यूरो चीफ थे, उनके मुताबिक यही कहा जा रहा था कि इससे पहले भी सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इकदाम वहाँ पर किए गए थे, और कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो एनी शाहिद थे, जब उन्होंने देखा कि ये खुदकुश बमबार अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने जाकर दोनों मेन गेट्स के जो दरवाजे हैं उनको बंद करने की कोशिश की ताकि जाने नुकसान कम हो, लेकिन फिर भी मेन गेट पर खुदकुश बमबार ने जो है वो अपने आप को उड़ा लिया, जिससे बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा, चर्च में भी नुकसान पहुँचा, और इसके अलावा जो है दीगर लोगों को भी नुकसान पहुँचा। लेकिन आर्मी चीफ की जानिब से भी काविशों को सराहा गया है, और वजीर दाखिला जो है उनकी जानिब से, बलूचिस्तान के जो IG हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि बड़ा क्विक रिस्पांस किया है वहाँ पर पुलिस ने भी, FC अहलकारों ने भी, और जितने भी कमांडोज अंदर मौजूद थे, वरना ज़्यादा जानी नुकसान होता। कोयटा की हम बात करें तो सरयाब रोड को लें तो निशाना बनाया जाता है, फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है वहाँ पर। इससे पहले हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, अब मसीही बरदारी के अहम जो दिन हैं उनके ऊपर उन
उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यूजुअली इतवार के दिन, आजकल क्रिसमस के भी दिन चल रहे हैं, तो इतवार के दिन लोगों की जो तादाद है वो चर्च में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग तकारीब के लिए आते हैं वहाँ पर। जब मैं देख रही थी ब्रेकिंग के दौरान जो फुटेज थी हमारी, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिन्होंने बड़े वाइट कलर के जो है वो कपड़े पहने हुए थे, और एक भगदड़ का सा आलम था। और ये सारी जो स्ट्रैटेजी है, सारी जो प्लानिंग है, इसके हवाले से कल अमीर जमात इस्लामी भी कहते हैं कि ये इंडिया और इसराइल का ट्रायका है। और दूसरी जानब शेख रशीद अहमद ने भी इसकी मजम्मत की है, तमाम सियासी जमातों की जानब से इसकी मजम्मत की गई है, और इसके लिए तहकीकात का जो दायराकार है उसको वसी कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो फ्रेंसिक की टीम है वो आज क्वेटा आएगी और उसके बाद एक हफ्ते तक रिपोर्ट पेश की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दो लोग फरार हुए थे उसके पीछे रेलवे कॉलोनी है, और यही कहा जा रहा है कि वो उस दीवार के पीछे फरार हुए थे, और पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चेक एंड बैलेंस का सिलसिला जारी है। कल क्वेटा में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बहुत कम थी। इसके अलावा जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भी मुंतकिल कर दिया था। चलें जनाब, ये जो खबर है इस हवाले से सेफ ही खबर यहाँ पर लगाई गई है, तो इस हवाले से मजीद बात नहीं करूँगी, लेकिन डेफिनेटली दाइश ने इस हादसे की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है, इस वाकई की जिम्मेदारी। इनफैक्ट हादसा तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन आज की अगर मेन लीड की बात करें तो वो इमरान खान के कल ओकाड़ा जलसे के हवाले से लगाई गई है। इमरान खान जिन्होंने एक बार फिर से नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया और अपनी जीत की सेलिब्रेशन की बाकायदा तौर पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब अगर जो भी बात नवाज शरीफ की जानिब से की जा रही है कि हम अदलिया के खिलाफ तहरीक निकालेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ से तुम आना तो दूसरी तरफ से हम आएंगे, यानी कि अगर नवाज शरीफ ने चूबी की तो इमरान खान उसका जवाब भी बड़े जोर शोर से देने के लिए तैयार है। जिसके ऊपर हमने देखा कि कल साद रफीक भी बाहर निकले और उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ शेर जैसे बहादुर है जबकि इमरान गीदड़ की तरह बुजदिल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फैसला आया है अभी कानून की जानिब से इमरान खान की अहली के हवाले से, उन्हें ना अहल नहीं किया गया, जिसके ऊपर नून लीग के बहुत से अरकान बड़े ही गुस्से में थे, बड़े ही इस वक्त अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने देखा कि साद रफीक ने कल बोला है कि हम कानून का बेहद एहतराम करते हैं लेकिन कानून के मुनाफी फैसलों का किसी तौर साथ नहीं देंगे, उनके खिलाफ आवाज़ भी निकलेगी, उनके खिलाफ तनकीद भी होगी। तो ये जो है वो मेन खबर एक तो यहाँ पर लगाई गई है, जिसके बाद एक और अहम खबर यहाँ पर जो लगाई गई है वो आर्मी चीफ के हवाले से है। आर्मी चीफ कल जो है वो तारीख में हमारी, मतलब ओवरऑल जो तारीख में पहली बार ऐसे हो रहा है कि कल सेनेट को ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, और सेनेट को इस तरह से ब्रीफिंग देंगे कि ये बंद कमरे में ब्रीफिंग होगी, जो कि पहले, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। तो ओवरऑल मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत होगी, ये भी बताया जाएगा कि इस वक्त बॉर्डर पे हमारी सूरत हाल क्या चल रही है, और फिर जो अमरीका ने फैसला किया है, अमरीका की जो पॉलिसी सामने आई हैं, उसके बाद आर्मी चीफ का, हमारी आर्मी फोर्सेज का इस पर क्या मौकफ है, इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो आगाह किया जाएगा। तो ये जो मेन दो खबरें हैं यहाँ पर आज लगाई गई हैं। इसके साथ साथ कुछ कौमी असम्बली के इजलास हैं, कुछ सेनेट के इजलास जो आज के दिन के लिए लाइनअप है, फिर इसहाक डार के भी केस के हवाले से आज पेशरफ्त होने जा रही है, तो साबित अदालत में उनके केस के हवाले से भी जो है वो मजीद कुछ अपडेट्स हैं जो आज आपको मिलेंगे, और वक्तन फवक्तन हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। चलें जी, ये तमाम खबरें तो हो गई, यहाँ पर एक और मेन लीड है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लीड है कि नाअली से फर्क नहीं पड़ेगा, तरीन हमेशा साथ रहेंगे, नवाज शरीफ तहरीक चलाएं मुकाबला करूंगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैंशन करूँगी कि जैसी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से फैसला आया कि उनको नाअहल करार दे दिया गया है, तो यही कहा जा रहा था कि जी तहरीक इंसाफ अब अपने स्टांस से पीछे हटेगी और वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और उसके बाद उन्होंने फौरन से अपनी पार्टी से जो है वो इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद जो अब उनका मज़ीद इकदाम हैं, जो इस इजलास के हवाले से मज़ीद डिवेलपमेंट होगी, वो PTI सोचेगी कि अब उनकी जगह पर जो है वो किसकी जगह बनती है। तो दिस इज़ वेरी गुड एक्ट बाई PTI, क्योंकि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर नाअहली के हवाले से भी फैसला आता है, खुद इमरान खान साहब भी जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर मेरे लिए भी ऐसा फैसला आता है तो डेफिनेटली मैं फिर इस पार्टी से जो है वो रिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन बिल्कुल जैसे कि शेख रशीद अहमद शुरू से कहते आ रहे हैं और हम लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जमायमा जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है इमरान खान का केस लड़ा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हर कानूनी पहलू को देख कर, ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख कर इस केस को लड़ा है। तो मेरे ख्याल में उनको सब इस हवाले से दाद दे रहे हैं, और PTI के जितने रहनुमा हैं वो भी यही कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को अब, ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब के, जी इमरान खान साहब को अब जो है वो जमायमा के साथ में मिलकर भी सियासत करनी चाहिए और उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी अब मैं तहरीक चलाऊँगा, तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ठीक है आप तहरीक चलाएं तो हम भी बराबर से खड़े हैं और देख लेंगे कि आप तहरीक चलाते हैं क्या। और तंग तरीन साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो PTI कहती है कि पटिशन के लिए जगह है, अब हम दोबारा रिव्यू पटिशन दायर करेंगे और इस हवाले से भी केस लड़ेंगे, हो सकता है कि तरीन साहब की बहाली के लिए भी इकदाम किए जाएँ। तो जहाँ पर ये सारी सियासी सूरत हाल चल रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि
समातों का सिलसिला भी जारी है, कल भी अहम समात है, कल भी उसके हवाले से जो है अब पेशरफ्त होनी है। वहीं पर पीपल्स पार्टी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है और इस दफ़ा मुकमुका की सियासत जो है वो बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं की जा रही है, बल्कि पीपल्स पार्टी बहुत सोच समझ कर एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ा रही है और उसकी खास नज़रें जो हैं इस वक्त वो पंजाब की सियासत पे हैं कि किस तरीके से वो पंजाब के अंदर अपने पंजे गड़ाए, क्योंकि पंजाब में उनका वोट बैंक जो है वो काफ़ी कमज़ोर है और उसके लिए अब उन्होंने रिसेंटली जो गठजोड़ किया है सानिया मॉडल टाउन के ऊपर ही सही लेकिन तहरुल कादरी से किया, और बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि इसकी वजह से पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो डेफिनेटली एनहेंस होने जा रहा है। चले जनाब, पीपल्स पार्टी के हवाले से जहाँ पर सभा ने बात की वहीं पर एमकेएम की भी बात कर लेते हैं। एमकेएम राबता कमेटी का भी कल हमने देखा इजलास हुआ, 2018 के मंशूर के हवाले से जो भी तैयारी की जा रही है उसको भी तय करने के लिए जो है प्लानिंग कर ली गई है, और फिर जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आगे के इलेक्शन के लिए जो भी तैयारियाँ करनी है उसमें थोड़ी सी हर्डल्स जो है वो जरूर आएंगे। एनी वे, यहाँ पर अभी सभा ने जमायमा की भी बात की, और जमायमा एक ऐसी खातून रही है जो इमरान खान के ओवरऑल केस के अंदर जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन जहाँ पर जमायमा की बात करें वहीं पर अगर मैं मरियम नवाज की बात करूं तो मेरा ख्याल है बिल्कुल बजा होगा वो यूं, क्योंकि मरियम नवाज को जो है अब बाकायदा तौर पर उन 11 खवातीन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जो बाअसर खवातीन हैं। तो ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल जो जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स को आगे लेकर वो बढ़ी हैं, उस रोल को देखते हुए इनका नाम उन बाअसर खवातीन में आना डेफिनेटली एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। हम तो शुरू से ये बात कह रहे थे कि मरियम नवाज जो है कुछ भी और नून लीग के साथ, लेकिन लीडर बन गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा जनाब एक छोटी सी और खबर आपके साथ शेयर करेंगे सिराजुल हक के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल कराची के अंदर उन्होंने कुछ मिलियन मार्च किया है, तो उसके अंदर उन्होंने दो अहम मुतालबे किए, जिसमें एक तो चीज उन्होंने ये कही है कि तमाम तर मुस्लिम ममालिक जब तक जिंदा है, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है तब तक हम जो बैतुल मकदस है उसको इसराइल का कैपिटल कंसिडर नहीं करेंगे, और दूसरी उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि तमाम ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो अमेरिकन और इसराइल जो एम्बेसडर्स हैं उनको अपने मुल्क से बाहर निकाल दें। तो ये दो अहम मुतालबा सिराजुल हक की जानिब से सामने रखे गए। अब देखना यह है कि क्या इन मुतालबों को पूरा किया जाता है, क्या ये मिलियन मार्च कामयाब होता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर काजमी, उनसे जानते हैं कि मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। नासिर काजमी बताएगा इस्लामाबाद में इस वक्त क्या दर्जा हरारत है और सियासी मौसम जो है वो भी कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टीम को मेरी तरफ से एक शाइनी गुड मॉर्निंग, शाइनिंग गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही नहीं सुनाई दे रही नासिर काजमी, मैंने कहा शाइनिंग शाइनिंग गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबा एक्चुअली सरदार नासिर काजमी से हमारा राबता मुनक़िता हो गया, और ये कौन सी शाइनिंग गुड मॉर्निंग थी जिसमें ब्लैकआउट सा हो गया। खैर नासिर काजमी से मजीद भी हम जानेंगे कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल चल रही है। डेफिनेटली कोई ना कोई टेक्निकल इशू होगा, और जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होंगे तो हम आपको बताएंगे कि शहर इक्तदार में जो है वो क्या सूरत हाल है, क्योंकि कराची के बासी जो है वो तो बड़ा खुश हैं, लेकिन साथ साथ कई जगहों पर जो है वो बिजली भी नहीं है, और के इलेक्ट्रिक की जानब से अब तो नंबर भी मैंशन कर दिए गए हैं और लोगों ने ट्विटर के ऊपर भरमार की हुई है शिकायतों की जी कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक की जानब से एक और भी चीज़ कही गई है, और वो ये कहा गया है कि जो भी बिजली के खंभे हैं, तारे हैं, उनसे लोग दूर रहें। और लाहौर की अगर बात करें, लाहौर के मौसम की, तो फॉग लाइट्स आपको साथ रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो मेट्रो इंतजामिया है उसने साथ साथ ये भी कहा है कि जी ठीक है मौसम एंजॉय करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन प्रिकॉशन भी साथ साथ रखें। तो मुल्क में मौसम बड़ा साजगार और खुशगवार है, लेकिन वही हमारा सियासी मौसम जो है जनाब वो कुछ गड़बड़ है, और सियासी मौसम में जो है कुछ लोग बड़े तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग जो है तनकीद के तीर भी बरसा रहे हैं, कुछ लोग 2018 के आने वाले इलेक्शंस की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो 2018 से पहले ही जो है वो कोई प्री इलेक्शंस इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल सूरत हाल सी है, और वहीं पर और अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी खतरात का सामना है गाहे बगाहे, जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी के इकदाम तेज़ किए जा रहे हैं, नैक्टा को फाल करने की बातें की जा रही हैं, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बातें की जा रही हैं, वहीं धमाकों का और खुदकुश हमलों का सिलसिला भी जारी है। और नासिर काजमी कनेक्ट हो गए हैं, और नासिर काजमी से जानते हैं। नासिर काजमी गुड मॉर्निंग, आज शाइनिंग शाइनिंग मॉर्निंग, शाइनी शाइनी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच जी। क्या खबरें हैं शहर इक्तदार से? शहर इक्तदार में तो अदालतों के अलावा सभा कुछ भी नहीं होता, सुबह उठते हैं तो पता चलता है आज अदालतें ही हैं। बादल नजर आ रहे हैं और बड़े गहरे बादल नजर आ रहे हैं, लग रहा है इस्लामाबाद में भी कोई मौसम बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, बारिश की उम्मीद है कोई? बिल्कुल बिल्कुल, बारिश की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन
जो बादल इर्द गिर्द छाए हुए हैं, लगता ये है कि शाम तक जो है सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। अच्छा। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल हमारी कोलीग अस्मा जो है वो मरी का ट्रिप लगा के आ रही है, उनको देख के उनकी तस्वीरें हमने जी उनको देख के मुझे बड़ी जेलसी फील हो रही है और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी जाऊँ शायद मरी आज। चले जी, जब आप मरी जाएंगे तो गुड मॉर्निंग आज को बीपर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग आज को इंतजार रहता है आपके बीपर का, बड़ा लाइवली और बड़ा जबरदस्त सा बीपर होता है। नासिर काजमी, अस्मा तो मलका कोहिसार कोहिसार घूम कर आ गई है, आप इस्लामाबाद में मौजूद है, ये बताएं शहरियों के मूड कैसे हैं, शहरी क्या कह रहे हैं इस्लामाबाद में, उनके जो शहरी हैं वो भी रुख कर रहे हैं मरी का, या फिर वो कह रहे हैं नहीं जी इस्लामाबाद में हमने इंजॉय करना है। कम से कम मेरे अलावा और बाकी जितने भी लोग हैं जिनके पास इतना टाइम है कि वो यकीनन अपना जो शेड्यूल से कुछ वक्त निकाल कर वीकेंड्स का प्लान जरूर कर रहे हैं। एक्चुअली इस दफ़ा मरी में बर्फबारी जो है थोड़ा वक्त से पहले हो गई है और लोगों को यूजुअली ये होता है कि फरवरी में जाते हैं लोग, जनवरी के एंड पे होती है बर्फबारी, तो इस दफ़ा जल्दी होगी जिसकी वजह से लोगों के जो हैं प्लान यकीनन बनना शुरू हो चुके हैं और ख़ासतौर पर भी बच्चों की छुट्टियाँ आ रही हैं आगे स्कूल से, तो यकीनन उसमें हम ये देखेंगे कि जो मरी में जो है रश ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब जो स्नोफॉल काफ़ी हद तक वहाँ पर हो चुकी है और जो लोग वहाँ पे जा चुके हैं उनकी वजह से देखा देखी बाकी लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा नासिर काजमी, इस्लामाबाद में टूरिज्म बढ़ रहा है, सर्दी का मौसम है, लोग ज़्यादातर रुख करते हैं गिलगित का, दीरबाला का, मरी का, इस्लामाबाद का, अभी आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल, टूरिज़म बढ़ रहा है इस्लामाबाद में इस वक्त, लोग आ रहे एक एग्जैक्टली बढ़ रहा है। एक्चुअली अगर हम ओवरऑल एक सर्वे देखें जिसमें होटल्स भी शामिल हैं और जो गेस्ट हाउसेज यहाँ इस्लामाबाद में हैं उनका जो बिज़नेस है उसमें खासा इजाफा हुआ है, उसकी बुनियादी वजह टूरिज़्म के इजाफे की ही है, क्योंकि इस्लामाबाद एक सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ से फिर आगे मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सियाती मुकामात हैं उनकी तरफ वो जाते हैं, तो यकीनन टूरिज़्म में बेहतरी आ रही है। और सबसे बड़ी जो रीज़न नज़र आ रही है इस टूरिज़्म में बेहतरी की वो टेररिज्म में कमी है, जो गुज़िश्ता अगर हम कंपैरिजन करते हैं हमारे मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की एक लहर थी उसमें कमी आई है और उसके बाद यकीनन जो टूरिज़्म है उसको भी प्रमोशन मिली है और लोग जो हैं अब पाकिस्तान में आने से डरते नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नासिर काजमी, आप जो अपडेट कर रहे हैं हमें उसमें मेरा ख्याल है मजीद जो है वो लोग आएंगे इस्लामाबाद और मरी विजिट करने जब 22 दिसंबर आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ही हम देख रहे हैं सिंध में, चाहे बलोचिस्तान में, पंजाब में, हर जगह पे जो है ओवरऑल छुट्टियां होने वाली हैं और जैसे बच्चों को छुट्टियां होती है तो वो लोग प्लान करते हैं कि किसी न किसी हिल स्टेशन के ऊपर जाए। अच्छा, मौसम के हवाले से तो हमने आपसे जान लिया है, ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि सियासी मौसम कैसा है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं इस्लामाबाद में, कौमी असम्बली का, सेनेट का, दोनों का इजलास हो रहा है आज तो। जी बिल्कुल, सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, इसके अलावा कोर्ट्स के अंदर भी एक्टिविटी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं, फिर इसहाक डार जिनको अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था, हमारे सबक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ भी इस हसाजात की रेफरेंस का आज समात है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से खासी एक्टिविटी है आज उसमें। अच्छा। जो जी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स गाला है सबसे पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके अलावा जो है जो स्क्वैश चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं उनका भी आज होता है, तो ये अच्छा लग रहा है कि नासिर, इसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई चॉकलेट फेस्टिवल हुआ है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर गए हैं, कैसा रहा फेस्टिवल? जी चॉकलेट फेस्टिवल में वाकई वो मैं अगेन मिस कर गया हूँ, लेकिन जिनसे सुना है उनको सुनने के बाद यही दिल कर रहा था कि शायद ये दोबारा हो जाए। अच्छा, शिरकत हो जाए, डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स रखी गई। चले जी, डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स हैं और शहर इक्तदार से नासिर काजमी हमें अपडेट कर रहे हैं, क्या बात है पाकिस्तान में कितनी ज्यादा तफरी मुकामात है, पाकिस्तान के लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे कराची शहर की अगर बात की जाए तो इसका अमन वाकई में बहाल हुआ है, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि प्रिंस आगा खान करीम जो है वो पाकिस्तान आए हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान आए हैं बल्कि कराची भी आए हैं और उनका वालियाना इस्तकबाल भी किया है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत बेहतर किया है, उसके लिए रेंजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के हवाले से अभी आपने बात की तो कराची के अंदर मैं ये बताती चलूँ कि सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए नहीं बल्कि कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर है कि यहाँ पर भी चॉकलेट फेस्टिवल होने जा रहे हैं, तो सर्दी के डबल मजे होने जा रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करें, हम लोग भी इंजॉय करेंगे और नेक्स्ट वीक से सभा जो है वो आपके साथ होंगी, लेकिन मैं नहीं होंगी क्योंकि मैं तो जा रही हूँ जनाब मरी इस्लामाबाद, फुल मजे करने के प्लान है मेरे, मौसम के खूब मजे लेने के। अभी लेते हैं यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मिल जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब ओवरऑल मौसम के हवाले से तो बात की जा रही है, मौसम के ऊपर भी हम बात कर रहे थे और अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि जो इतला अभी मौसम हुई है, इनका कल हम देख रहे थे सारा टाइम यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि मरी में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार है। चलें जी, हम क्या बातें कर रहे हैं आज के हवाले से, फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से जहां पर बहुत सारी सियासी जमातें ख़ासतौर पे इमरान खान ये कहते हैं कि जी अगर अभी ये रिफॉर्म नहीं हुआ तो फिर कभी भी ये रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाटा के जो यूथ हैं, फाटा के जो आवाम हैं, वो ये चाहते हैं कि FCR का कानून जो है वो ख़त्म किया जाए और उनको भी इस्लामाबाद के शहरियों जैसे हुकूक जो हैं वो फराम किए जाए। इसके लिए अगर ओवरऑल इस पूरी सूरत हाल को देखा जाए और एक सूरत हाल इस तरह की बनती हुई नज़र आती है, तो एक तरफ तो फाटा रिफॉर्म का प्रेशर है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल है, बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला है, दूसरी जानब IDPs हैं, तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन फाटा रिफॉर्म्स का मसला अब हल होना चाहिए, क्योंकि इसी हवाले से ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं और वो शायद साथ नहीं दे रहे हैं इस मामले के ऊपर, जबकि वो बिल्कुल खुलकर और वजाहती तौर पर ये कहते हैं कि जी मसला तो बड़ा सीधा सादा सा है। तो जब मसला सीधा सादा सा है और फाटा के रिफॉर्म्स के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सियासी जमातें भी यही कहती हैं, तमाम लोग भी यही कहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि उनकी जो यूथ है उनको वही राइट्स मिले जो इस्लामाबाद के शहरियों को मिलते हैं, मेरे ख्याल में फिर इस मसले को हल करना चाहिए। इसी हवाले से फाटा रिफॉर्म्स के ऊपर हम मज़ीद बात भी करेंगे और फजलुर रहमान ने क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। तहजीब को तबाह करने, हमारे अखलाक को तबाह करने के लिए, मैं तो नहीं कह रहा, अब तो वो खुद कह रहे हैं कि शुक्र है कि हमें विफाक में हुकूमत नहीं मिली, वरना उसका वही हशर कर लेते जो हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा का किया। मसला इंतखाबी इस्लाहात का था, कानून इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक था, तो शिक डाली गई कि नहीं वो पार्टी सदारत के लिए नाअहल नहीं होगा, ताकि मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग का सदर बनाया जाए। इससे हंगामा खड़ा हुआ, सारी कौम की नजर इसी पे थी, पार्लियामेंट के अंदर ढींगा मुश्ती इसी बुनियाद पे हो रही थी, और पता चला कि इस हंगामे में कुछ लोगों ने काम किया और खत्म नबूवत के मसले को भी छेड़ा। फाटा का मसला बड़ा सीधा साधा है, लेकिन कुछ मफाद परस्तों ने उसको पेचीदा बना दिया। हुकूमती इत्तेहादियां जनाब तो हुकूमत की फेवर की बात ज़रूरी करेंगे। सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब और इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो है उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि वज़ीर सिफ़रान अब्दुल कादिर बलोच ने एक हफ्ते में FCR के कानून के खात्मे का ऐलान किया था और अब इसी हवाले से पिछले दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी तलब किया हुआ था। तो एक तरफ तो हुकूमती वज़ीर एक हफ्ते में FCR के खात्मे का ऐलान करते हैं और दूसरी जानब अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म मुशावरती इजलास बुला रहे हैं, तो क्या हुकूमत खुद जो है वो इस सारी सूरत हाल में कन्फ्यूजन का शिकार नजर नहीं आ रही आपको? बिल्कुल, हुकूमत तज़ब्ज़ब का शिकार है और ये वाहिद हुकूमत है जो पहले ऐलानात करती है और बाद में फिर सोचती है, और यही वजह है कि उन्होंने पहले ऐलान किया और बाद में अमल भी नहीं किया। अब इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल जो कमेटी बनाई है, हम समझते हैं कि इससे पहले भी 500-600 मीटिंग, धरने, सेमिनार, ऐलानात, जलसे जुलूस हो गए हैं, लेकिन अब भी हुकूमत चाहती हैं कि मज़ीद मीटिंग्स के बहाने वो कुछ टाइम ले रहे, बस जस्ट टू किल द टाइम एक पॉलिसी है इस हुकूमत का। हम साफ साफ बात करते हैं कि कबाइली आवाम अब इस FCR को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस FCR को वो अपने लिए मौत समझते हैं। ये जंगल का कानून है, ये काला कानून है, अगर ये इतना अच्छा कानून है तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं है जी? अगर ये इतना अच्छा कानून है तो खुद पाकिस्तान के बाकी इलाकों में क्यों नहीं है? तो ये एक बफर जोन बनाया गया है, दुनिया भर की एजेंसियों के लिए यह माहौल बनाया गया है, इसलिए तो वहाँ दहशतगर्दी आम हुई। तो हम समझते हैं कि अब वो लम्हा आया है कि उनको सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाए, FCR का खात्मा किया जाए और CPAC में उनको हिस्सा दिया जाए, और जो इन्हों क्या चाहते हैं वो यही चाहते हैं ना कि जो हक इस्लामाबाद के एक शहरी को है वही हक उनको दिया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, उनको पाकिस्तानी कंसिडर किया जाए, उनके जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, और इसलिए आज भी वो काबुल या दिल्ली नहीं गए, आज भी उन्होंने जमात इस्लामी के प्रोग्राम के तहत लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद का रुख किया, इसलिए कि वो इस्लामाबाद को सब कुछ समझते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत के रास्ते में क्या रुकावटें हैं कि एक चीज़ को हक और सच समझ कर भी
अच्छा सिराज उलहक साहब, डेफिन एफसीआर के कानून के हवाले से बात कर रहे हैं तो एफसीआर के कानून के ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस कानून को बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन मसला फाटा के खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम का है और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान के तहफ़ुज़ात भी तो किसी हद तक दुरुस्त हैं। अगर फाटा के मुस्तकबिल का फैसला कर लेने से पहले वहाँ के अवाम की राय जान ली जाए, रेफरेंडम करा लिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? देखिए, एक बार तो रेफरेंडम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है और उन्होंने तय किया था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है, तो सर फिर कबाहत क्या है? फिर यह है कि खुद आपके 19 मेंबरान सेनेटर और कौमी असेंबली के मेंबरान ने मिलकर इस पर दस्तखत किया है, फिर आपकी सरताज अजीज कमेटी ने फैसला दिया है, फिर आपकी कैबिनेट ने कमिटमेंट किया, वादा किया है, फिर तमाम सियासी जमातों का इस पर इतफाक़ है। तो अगर एक दो शख्सियात इससे इतफाक नहीं रखते हैं तो उसको राज़ी करना, कायल करना या मेरी या किसी और दोस्त की जिम्मेदारी नहीं है, यह तो हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, वो उनके इत्तेहादी है, उनको काने करना, उसके तहफ़ुज़ात को ख़त्म करना, ये तो हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, मेरा ये काम नहीं है। हम तो जो भी मांगते हैं, जो डिमांड करते हैं, जो एहतजाज करते हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है और हुकूमत से हम मांगते हैं, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी कबाइली आवाम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अब से छुटकारा चाहते हैं। आप डॉक्यूमेंट उठा के ले, उसमें पहली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया जाए, उस पर 19 सेनेटर और मेंबरान का शामिल है, बाकी चीज़ें तो ऑप्शनल है, वो तो और यानी एंगल से अगर आप देखें भी तो मेरे ख्याल में आपके मेंबरान, आपके सेनेटर, आपके मशरान, आपका ताजर, आपके वकला, आपके तलबा अगर इस चीज़ पर काने हैं, यकसू है, तो एक दिन के लिए इसको मुअख्खर करना या आवाम के साथ मैं ज्यादती समझता हूँ। ये काम आपने करना है, सर, मुअख्खर करना तो कहीं पे भी फेवरेबल नहीं है, ना ओवरऑल मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर और ना ही पाटा की आवाम के लिए। सारी सूरत हाल पे मजीद भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजाएगा। गुड मॉर्निंग, आज वेलकम बैक टू द मॉर्निंग, और बात हो रही है फाटा इस्लाहात के हवाले से, और इस सब पर बात करने के लिए सिराजुल हक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एक बार फिर से उन्हीं की जाने बढ़ेंगे। सिराजुल हक साहब, पहले तो माजरत इतनी देर आपको इंतजार कराने के लिए, आगे बात करते हैं और इसी सब पर मजीद बात करेंगे कि एक नजरिया ये भी है कि फाटा इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी में अचानक से तब्दीली हुई है। अमरीका की अफगान पॉलिसी के ऐलान के बाद से हम देख रहे हैं कि ये तब्दीली आई है। इस पॉलिसी के ऐलान के बाद हुकूमत फाटा रिफॉर्म से मुतालिक नई हिकमत अमली बना रही है, जिसके चक्कर में ये मामला काफी हद तक डिले हो रहा है। आप फाटा इस्लाहात से मुतालिक ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ रिफॉर्म्स के खिलाफ है, इंडिया और अफगानिस्तान भी खिलाफ है, और इस अफगानिस्तान में इस वक्त नेटो मौजूद है। अफगानिस्तान में जो भी पॉलिसी है उसके पीछे नेटो का सोच और नेटो के मफादात होते हैं, तो चाहती हैं ये कि यह इलाका ऐसा ही रहे कि जिसमें हर एक की रसाई हो और दुनिया भर की एजेंसियों के लिए अप्रोचेबल हो, यहाँ छुपने की जगह हो और वारदात की जगह हो, बदमनी के मराकज हो, लेकिन हमारे फेवर में ये नहीं जाता है। हमारे लिए यही है कि ये एक पुरअमन इलाका बन जाए, यहाँ के नौजवान बारोजगार तालीम याफ्ता बन जाए, और ये ऐसी शहरी बन जाए जिस तरह इस्लामाबाद के शहरी अपने हकूक से मुस्तफीद हो रहे हैं। तो अमेरिका के कहने पर या अफगानिस्तान या इंडिया के मफादात के तहत हमें फैसले नहीं करना है, हमें ये देखना है कि हमारे आइंदा 50-100 सालों के लिए क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ अच्छा नहीं है। अब हमारी फौज पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद है, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो पहले वहाँ हमारे फोर्सेस का जाना मुमकिन नहीं था, अब हर चीज़ों की कंट्रोल में, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब कोई रास्ते में मुश्किल है सिवाय अज़म के और विल के और इस कौम और इस इलाके के साथ खैरख्वाही के, कि अगर खैरख्वाही नहीं है तो आप ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इलाका भी तरक्की करे और पुरअमन बन जाए और यहाँ जितने मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो एक ही रास्ता है कि जो कानून जो निज़ाम इस्लामाबाद में वो वहाँ भी हो।
ठीक है, एक ही रास्ता है कि जो कहाबाद में वो वहाँ पर भी हो। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फाटा रिफॉर्म्स का ये मामला है, पूरी कौम यही चाहती है, हम सब यही चाहते हैं कि मामला जो है वो जल्दी जल्दी हल हो जाए ताकि उस यूथ को भी सुकून मिले, रिलीफ मिले, जो कि इस्लामाबाद के शहरियों की तरह राइट्स चाहती है। तो जनाब अब ये तो हो गया फाटा रिफॉर्म्स का मामला, लेकिन आज क्योंकि घूम फिर कर जो खबर है, घूम फिर कर जो बातें हैं वो सर्दी के ऊपर आ रही हैं, और जब सर्दी के ऊपर आती हैं तो सर्दी की सौगातों के हवाले से हम बात ना करें ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। और सर्दी की सौगातों में जो है वो डेफिनेटली फ्रूट्स होते हैं और पीनट्स में पीनट्स भी आते हैं। और पीनट्स आप खाती हैं शौक से? मैं बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन मुझे वो जो पैकेट वाले होते हैं ना जिनमें नमक लगा हुआ होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरी बात पे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर वो कभी भी ऐसी चीजें ट्राई ना करें। लेकिन पीनट्स कितने मुफीद है और सर्दियों में जब आप ये खाएं तो क्या क्या इसके फायदे होते हैं, इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, हर तरफ ठंडी ठंडी हवाओं का राज है। मौसम सरमा में हमारी जिंदगी में नुमाया तब्दीलियां आ जाती हैं। जिस्म को गर्म रखने के लिए मखसूस पकवान तैयार किए जाते हैं और गर्म कपड़ों के बाजार सज जाते हैं। घरों में हीटर कर लिए जाते हैं ऑन। इन्हीं सब के साथ सर्द मौसम की रातों में गलियों में हर सू घंटी की आवाजें लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। दरअसल ये ऐलान है कि गरम गरम लिहाफों में बैठकर गरम गरम मूंगफलियां खाने का वक्त आ चुका है। सर्दियों में हर तरफ मूंगफली फरोश, ठेलों पर मूंगफलियां सजाए फिरते नजर आते हैं। मूंगफली हर दिल अजीज मेवा है और सर्दियों में इसके खाने का अपना ही मजा होता है। मूंगफली में पाए जाने वाले गैर तकसीदी अज्जा गजाइत के एतबार से चने, चुकंदर और गाजर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये गैर तकसीदी अज्जा ना सिर्फ जिल्द की खुश्की दूर करते हैं बल्कि इसमें मौजूद विटामिन डी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाकर इन्हें बीमारियों से महफूज रखते हैं। मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, B1, B6 और फास्फोरस शामिल हैं। डायबिटीज टाइप 2 में इसका इस्तेमाल फायदेमंद है, इससे इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है। इसमें मौजूद फौलाद खून के लिए नए खलिये बनाता है। मूंगफली की फसल के लिए गर्म मरतूब आबोहवा मौजूद है और दौरान बढ़ोतरी मुनासिब वक्फों से बारिश इसकी बेहतर नशोनुमा के लिए मुफीद है। जिन ममालिक में मूंगफली वाफिर मकदार में पैदा की जाती है उनमें साउथ अफ्रीका, सेनेगल, नाइजीरिया, मलावी, इंडिया और सूडान शामिल हैं। मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है जो मुख्तलिफ खानों, डबल रोटी, केक और अद्वियात वगैरह में शामिल किया जाता है। कनाडा में की जाने वाली एक तहक मुस्बत नताइज मुरतब कर सकता है। जहां मूंगफली के हैं बेशुमार फायदे, वहीं ये बात भी जहन नशीन रहे कि बाद सूरतों में इसके इस्तेमाल से परहेज भी जरूरी है। मसलन जिस्म में खारिश, सांस के मर्ज, दमे और खांसी के मरीज इससे करें मुकम्मल एहतियात, क्योंकि इसमें मौजूद तेल खांसी में इजाफे का सबब बन सकता है। मूंगफली के तेल को ब्यूटी एड की हैसियत से भी किया जाता है इस्तेमाल। मूंगफली से बनाई जाने वाली टॉफी जिसे चिकी कहा जाता है बड़े सगीर में इंतहाई मशहूर है और मुख्तलिफ मवाकों खास तौर पर सर्द मौसम में लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। चलिए जनाब नकी की आपने रिपोर्ट देखी है जो कि बड़ी अच्छी है। मूंगफली के हवाले से वैसे तो एक जो आम तासुर है लोगों का वो यही है कि सबसे ज्यादा सस्ता सर्दियों के अंदर जो ड्राई फ्रूट होता है वो मूंगफली होती है, और बाकी में जो मजा आता है ना आप कंबल के अंदर बैठो और गरम गरम ये मूंगफली खा रहे हो तो सर्दियों का मेरा ख्याल है मजा समवेयर मूंगफली उसके अंदर एक एडिशन ही होता है। सर्दियों का मजा मूंगफली तो होता है लेकिन मूंगफली फिर शॉर्ट भी बहुत हो जाती है क्योंकि ड्राई फ्रूट में यही अचीवेबल है, लोग यही लेते हैं। आप चाय भी आपके साथ है तो आपका दिल चाहता है मूंगफली खा लें लेकिन फिर मूंगफली आपको अच्छी वाली जो है वो मूंगफली नहीं मिल पाती क्योंकि आपके लिए ये बड़ी सस्ती चीज होती है और सस्ती चीज जो होती है वो फिर नायाब हो जाती है स्पेशली कराची में। डेफिनेटली जनाब सस्ती चीजों की बात हो रही है तो मुझे एक और चीज ध्यान में आ रही है वो ये कि जब भी सर्दियां आती है, सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लोग सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्मी से गर्म रखने के लिए जो है जिन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर वो कपड़े ब्रांडेड नहीं होते क्योंकि लोग स्पेशली अगर कराची की बात करें तो यहाँ पर एक जो रिवाज बन चुका है संडे बाजार लगते हैं, ठेलों के ऊपर जो है वो चीजें फरोख्त होती है वो ज्यादा गर्म होती है क्योंकि इस बार मैंने देखा सभा जो
सारे ब्रांड्स के मैंने विजिट किए तो उसके साथ बड़ी पतला स्टफ मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरा ख्याल है इस बार लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची संडे बाजार का बड़ा जिक्र करते हैं, संडे बाजार की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैंने आज तक टू बी वेरी फ्रेंकली मैंने कभी नहीं देखा संडे बाजार। लेकिन मैंने अपने अंकल को कहा था, मेरे खालू को, कि आपने मुझे जरूर लेके जाना है संडे बाजार। तो जनाब खरीदो फरोख जारी है और आजकल जो है वो आप देखते हैं कि बाजारों में भी जगह जगह पर जो है स्टॉल्स लगाए होते हैं, सड़कों पर भी स्टॉल्स लगाए होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, आमदरफ्त होती है ट्रैफिक की और रुक रुक कर जो है वो जैकेट्स बाइक रहे होते हैं, बाइक्स भी होते हैं बहुत सारे। तो डेफिनेटली अगर आप कंफर्टेबल हैं ऐसी चीजें पहनने के लिए तो डेफिनेटली आप उनको लेके वेयर कर सकते हैं। अगर लेकिन संडे बाजार की एक और खासियत कपड़े भी नहीं है, संडे बाजार में जो है वो फ्रूट्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं और सब सस्ता बहुत ज्यादा सारी चीजें मिलती है। तो मैंने तो जरूर जाना है संडे बाजार देखने के लिए। संडे बाजार में होता क्या है, मेरा ख्याल है आप जाए तो मुझे साथ लेके जाएंगे, क्योंकि अब तक मेरा भी कराची में विजिट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि जी आप जा रही लाहौर तो मैं आपको कहां से साथ लेके जाऊँ, मुझे साथ लेके जा रही है जो मैं आपको संडे बाजार साथ लेके जाऊँ। आप लाहौर मरीक मलका कोहिसार वाजिबा बड़े मजे लगे। वैसे वहाँ पे मुझे बिल्कुल गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ गए तो मैं बता बस मैं संडे बाजार रहती भी जाना। चलो जी शाजिया अर्शद हमारी टीम मेंबर है जिन्होंने एक जबरदस्त सा पैकेज बनाया, आपको दिखाते हैं। जैसे कि कराची में सर्दी बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो मौसम की मुनासबत से जगह जगह पूरे शहर में हमें जो नज़र आ रहा है कि जिस तरह के ठेले मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, गर्म कपड़े बिक रहे हैं, जूते बिक रहे हैं, क्योंकि कराची में बहुत कम ही सर्दी होती है, इस वजह से लोग चाहते हैं कि सस्ते कपड़े खरीदें ताकि एक दो महीने का जो है सीज़न वो गुजर जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं जो कि इस तरह के गर्म कपड़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानती हूँ कि उनको मार्केट की निस्बत से यहाँ इस तरह से खरीदारी करने में रेट में क्या फर्क मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, आप बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या लेने के लिए आए? मैं अपने लिए कोट लेने के लिए आया हूँ, और कोट अच्छा मिला है और सस्ता मिला है। यहाँ पर आपको मार्केट की निस्बत से रेट में क्या फर्क मिलता है? रेट काफी फर्क है, यहाँ पर काफी हद से ज्यादा फर्क है। मार्केट में कम से कम ये 400-500 का है, 1000 रुपए का, यहाँ हमें ये 150 रुपए का मिला है। यहाँ पर आपने इन साहब की बात सुनी, एक साहब और मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं किस किस किस्म की वैरायटी होती है यहाँ पर। सस्ती वैरायटी होती है, मतलब 100-150 रुपए में अच्छे मिल जाते हैं, बाहर बाजार में जाओ तो 700-800-900-1000 में मिल जाते हैं। मेरे साथ एक और ग्राहक मौजूद है, उनसे मैं जानती हूँ कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ से इस तरह से कपड़े खरीदने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बताएंगे कि यहाँ इस तरह से आप ये कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, जो गर्म कपड़े बिक रहे हैं मौसम के हिसाब से, तो क्या वजह है? ये यहाँ पे सस्ते भी हैं और जिन लोगों की जो पैसे कम होते हैं उनकी जेब में, तो उनके लिए फायदा होता है कि ये ले लेते हैं यहाँ पर आके, और जो जो भी जिसको जरूरत होती है वो फिर बांट भी देता है यहाँ पे जरूरतमंद लोगों के, उसके लिए जरूरत के लिए। सर दुकान के हिसाब से आपको यहाँ पे रेट में क्या फर्क नजर आया? रेट तो सस्ते हैं और फिर क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है, क्योंकि ये बाहर के ऐसे आए हुए होते हैं तो लोग है ना खुशी खुशी ले लेते हैं, फिर बांट भी देते हैं, जो लेने वाला होता है वो भी है ना सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ यार कुछ बेहतर चीज मिल गई मार्केट से। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए हैं गर्म कपड़े खरीदने के लिए, उनसे हम जानते हैं कि उनको प्राइस में क्या फ़र्क मिलता है, या जगह जगह जो शहर में ये पथारे लगे होते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? असल में हम लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं बिकॉज अर्जेंटली अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है या हमें अर्जेंटली कोई चीज़ चाहिए तो हम यहाँ से आके ले लें, अदरवाइज प्राइस वगैरह में इतना ज़्यादा कोई हमें कम्फर्ट नहीं मिल रहा होता या डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता। जो लोग गरीब हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक उनको एक वो मिल जाता है कि वो लोग अपने लिए आके ऐसी चीज़ें ले लें, बिकॉज सर्दी में उनको भी ज़रूरत होती है और वो लोग इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। सुनिए आपने इनकी बात, के इनका कहना भी यही है कि जो लोग गरीब होते हैं वो लोग नहीं खरीद सकते दुकानों से इतना महंगा कुछ, तो ये भी सहूलत होती है लोगों को कि उनके घरों के नज़दीक इस तरह की चीज़ें जो कि फुटपाथों पर या पथारों पे बेची जाती हैं तो वो एक मौसम निकालने के लिए इस तरह की चीज़ों की ख़रीदारी कर लेते हैं। और कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि वो लोग यहाँ से ख़रीद कर गरीब लोगों में बाँट दें ताकि उन लोगों के लिए भी मौसम की सख्ती बर्दाश्त करना आसान हो जाए। जी क्या बात है, सस्ता मजबूत और टिका हुआ माल, वो भी आपको सड़कों पे जगह जगह नजर आए, बड़ी जबरदस्त बात है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, सब लोग कह रहे हैं कि 100 रुपीज का उन्हें स्वेटर कोट मिल रहा है, मतलब हम लोग तो शायद बेवकूफ है जो हम इतने पैसे स्पेंड करके कोट महंगे महंगे लेकर आ रहे हैं। अगर आपको वाकई में सस्ती और अच्छी चीज वहां से मिल रही है तो वाई नॉट, हाँ बिल्कुल वेयर कर सकते हैं। अच्छा उसमें पता है क्या होता है, एक साइजेस का भी एक इशू होता है और फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस का भी इशू होता है ना, कि भाई आपका कुछ लोग होते हैं कि उनका दिल भी नहीं मानता है ना, ढूंढना पड़ा। अच्छा जी पीसीआर से बातें आ रही है कि जी बड़ा ढूंढना भी पड़ता है, तो अगर आप बहुत अच्छे हैं शॉपिंग के अंदर और आपको पहचान है अच्छी बुरी चीजों की, कि जी वाकई में कोई चीज आपको अच्छी मिल रही है या वाकई जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो वेरेबल है, वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी, तो डेफिनेटली फिर आप जा सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है संडे बाजार में जाके
जो है वो चीजें लेने की। चले जनाब मजीद भी बातें करेंगे मौसम के हवाले से और कुछ खाने पीने की खाबों की भी बातें करेंगे क्योंकि सर्दी में कपड़ों की बातें हो गई, ड्राई फ्रूट्स की बातें हो गई, लेकिन मजे मजे के पकवानों की बातें भी बाकी है। लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। आओ टीबी मिटाओ। जी हाँ बिल्कुल, टीबी के हवाले से हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त डॉक्टर राबिया मनियार और डॉक्टर उमर बंगश मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज आप दोनों बड़ी ज़बरदस्त कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। तो आओ टीबी मिटाओ जो है इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है, और इसके लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ की, अल्लाह करे आपका ये जो प्रोजेक्ट है बहुत कामयाब जाए। टीबी को यूजुअली कहा जाता है कि ये एक पुअर लोगों की डिज़ीज़ होती है, ज़्यादातर गरीबों में होती है। तो इनफैक्ट इसका गुरबत से ताल्लुक़ नहीं है, आई थिंक इसका हाइजीन से, सफाई से या दीगर चीज़ों से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले डॉक्टर राबिया आपसे पूछना चाहूँगी, इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगी आप? सलामकुम पहले तो एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस कि आपने आज हमें बुलाया। बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टीबी एक बहुत ही पुराने कदीम ज़माने की बीमारी है। इसको गुरबत से ज़रूर किया जाता है एसोसिएट। वो उसकी वजह ये है कि बेसिकली टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके जरासीम बड़े आम तरीके से पहले मतलब पाए जाते हैं और फैलते भी हैं। तो जिन लोगों में जो है ना माल न्यूट्रिशन होती है, ग़िज़ा की कमी होती है, उनमें ये बड़ी आसानी से आ जाती है। और होता ये है कि जिन जगहों पे लोग बहुत क्राउडेड सेटिंग्स में रहते हैं, मतलब छोटे मकान, 10-10, 20-20 घर, वेंटिलेशन कम होती है, वहाँ ये फैलती बहुत आसानी से। तो इन इन इस तरह की जो एनवायरनमेंट होती है उसमें जो है ये बीमारी बहुत तेज़ी से जो है ना एक से दूसरे को लगती है। और उसकी वजह ये है कि उसके जो जरासीम हैं जब हम खांसते हैं या छींकते हैं वो तो वो हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, ठीक, और दूसरा इंसान जो सांस ले रहा होता है वो उसको उससे फैल सकते हैं, ठीक। तो ये एक वजह है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो इस तरह की इन्वायरमेंट होती हैं जहाँ बहुत क्राउडिंग होती है, जहाँ लोगों को खाने को ठीक से नहीं मिलता, जहाँ सफाई सही से नहीं होती, जहाँ वेंटिलेशन नहीं होती, हाइजीन नहीं होती है, मैलन्यूट्रिशन की वजह से जो है ये ज़्यादा और मैलन्यूट्रिशन, ग़िज़ा के अंदर कमी जो होती है वो आमतौर पर कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको कमज़ोर कर देती है। कुव्वत मुदाफ़ियत की कमजोरी की वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे डॉक्टर मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, और टीबी के हवाले से तो हमने जाना कि किस तरह से फैलती है और क्या क्या इसके रीजन होते हैं, किस वजूहत की बिना पर ये लोगों में मुंतकिल होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम जो सब मिलकर एक ये कंपेन चला रहे हैं आओ टीबी मिटाओ, ये बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों की काविश है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इससे इसमें मैं जानना चाहूँगी कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज है और क्या वो तमाम सर्विसेज कवर्ड है इसमें? जी मैं चाहूँगा कि पहले तो हम लोग कलेक्टिवली जो है प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को उनका शुक्रिया अदा करें। हम लोगों की सर्विसेज आओ टीबी मिटाओ कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है। तीन पत्ती वाली निशान वाले जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं जिनको बेसिक मेडिकल यूनिट्स भी कहते हैं या BMU भी कहते हैं, मुख्तलिफ जगहों के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर राबिया जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में भी बात करेंगी कि कौन कौन से कितने नंबर ऑफ हस्पताल हैं जो कि कराची के अंदर मौजूद हैं। पब्लिक और प्राइवेट हस्पताल दोनों मौजूद हैं जहाँ पर आपके पास जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो जाते हैं वहाँ पर, अपने टेस्ट मुफ्त के अंदर करवाते हैं। हम लोग आओ टीबी मिटाओ के अंदर जो है उन लोग को मुफ्त एक्सरे प्रोवाइड करते हैं, मुफ्त बलगम का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग कॉल सेंटर के सपोर्ट के थ्रू जो है उनको कॉल करवाते हैं और उनको याद दहानी करवाते हैं कि उनको अपना टेस्ट पिक करना है और उनको अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है अगर उनको ज़रूरत है। तो हम लोग पूरी कनेक्शन लाइन जो है मेंटेन करते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सॉल्यूशंस के का पार्ट है सेहतमंद ज़िंदगी सेंटर्स। इस वक्त जो है अबव 20 अराउंड 30 सेहतमंद ज़िंदगी सेंटर्स जो हैं वो मौजूद हैं ऑल अक्रॉस कराची, विच आर प्रोवाइडिंग जो कि स्क्रीनिंग सर्विसेज, एक्सरे और बलगम का टेस्ट और दवाई मुहैया करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में मैंने कुछ मिस किया या नहीं? सॉरी मैं इधर थोड़ा सा और ऐड करूँगी। सो बेसिकली जो मूवमेंट है आओ टीबी मिटाओ वो एक
एक एफर्ट है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही थी उसको हमने एक तरह से इंक्रीज किया है। आइडिया क्या है कि मुख्तलिफ जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं, जैसे ये बड़े बड़े अस्पताल जिना हो गया, तमाम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, इसके अंदर हम जो है लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। हमने टीम्स खड़ी की हुई हैं, तो उनसे हम उनके सिम्टम्स के सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, और उनके बेसिस पे हम उनको, इसको कहते हैं एक्टिव केस फाइंडिंग। टीबी जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा फैली हुई है, ठीक है, हम इस वक्त दुनिया में 5th हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री है, ठीक है। तो इस उसमें हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किए कि हम खुद जाएं और ऐसे लोगों को ढूंढें जिनको ये शिकायत है, उनको फिर हम ये फ्री, जिसको ये कहते हैं बलगम का टेस्ट, जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट कहलाता है, ये काफी महंगा टेस्ट है, राइट, ये फ्री हम देते हैं। उसके अलावा हमारी मोबाइल एक्सरे वैन्स हैं, ठीक है, जो जगह जगह घूम रही हैं, कर लेती हैं लोगों के, वो एक्सरेज फिर हम डॉक्टर तक पहुंचाते हैं और इन लोगों को डायग्नोस करवाते हैं। अच्छा, एक्टिव फाइंडिंग्स की हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर उमर बंगेश, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि यूजुअली लोगों में ये अवेयरनेस नहीं होती कि जी हमें टीबी है भी या नहीं है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुखार भी रहता है और कुछ लोग नॉर्मली खांसते रहते हैं, लेकिन जब तक उनको ब्लड नहीं आ जाता वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो इसके थोड़े से अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, हम डीप डाउन तो नहीं जा सकते, कुछ सुपरफिशियली इसको वी कैन डिस्कस इट। आजकल के मौसम के अंदर लोग जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अगर उनको थोड़ी खांसी हो जाती है, लेकिन सिम्टम्स होते हैं जो खास निशाने के ऊपर जाके लगते हैं टीबी के, वो दौरानिया होता है, सिम्टम्स का दौरानिया होता है। दो हफ्ते या दो हफ्ते से जायद जो है अगर आपको खांसी हो रही हो, अगर आपको बुखार हो रहा हो, अगर आपका अचानक जो है वेट लॉस यानी के वजन के अंदर कमी आ रही हो, अगर रात को ठंडे पसीने आ रहे हो, अब वापस थोड़ा खांसी की तरफ चले जाते हैं, खांसी के अंदर बलगम हो, खाली खांसी भी हो सकती है, बलगम के साथ भी हो सकती है, इसी में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और कई महीने निकाल देते हैं और उसमें फिर उनके जो लंग्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। खाली खांसी भी होती है, गीली खांसी होती है जिसके अंदर बलगम निकलता है, और उसके अलावा अगर वो बहुत लंबी हो जाती है तो फेफड़े बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। फेफड़े जब बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं तो उनके साथ जो है बलगम के अंदर खून भी आना शुरू हो जाता है, जिसका रंग लाल भी हो सकता है और थोड़ा डार्क भी हो सकता है, मरून भी हो सकता है। सही, तो ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को फौरी तौर पर फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको लगता है कि 2 वीक्स के अंदर आपकी जो कफ है वो बेटर नहीं हो रही है। अच्छा डॉक्टर, अभी आपके जानिब आना चाहूंगी, और जैसे कि अभी साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से भी बात हो रही है कि अगर इनिशियली आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है, मैं ये जानना चाहूंगी जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कि अगर उन्हें इस तरह के कोई साइन एंड सिम्टम्स अपने अंदर महसूस हो रहे हैं, सबसे पहले वो किस तरह से आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी एक हेल्पलाइन है जो आओ टीबी मिट आओ प्रोग्राम की हेल्पलाइन है, उस पर वो कॉल कर सकते हैं, वो फ्री हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 111-982-982, उस पर आप कॉल करें, वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा नियरेस्ट जो टीबी ट्रीटिंग सेंटर है वो उनके घर से कौन सा है, उधर से वो उनको, हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे लिंक भी कर देते हैं, वो उस पेशेंट को रिसीव भी करेंगे, उसका मुफ्त टेस्ट भी करवाएंगे, उसके सिम्टम्स लेंगे, उसको डॉक्टर से भी चेक करवाएंगे, और जो अगर खुदा ना खास्ता वो डायग्नोज हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी वहीं से शुरू होगा और उसकी मुफ्त दवाइयां पूरे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की, और वो जो साल पूरा ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स है या साल है 2 साल, वो सब जो है वो हेल्थ सर्विसेज के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस चीज की थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं, टीबी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। उन तमाम इकसाम को की कवरेज जो है आओ टीबी मिटाओ की कैंपेन जो है वो कवर करती है, इवन सीवियर स्टेज भी, जी सीवियर स्टेज भी करती है। 6 महीने हो जाती है एक ट्रीटमेंट जो कि सबसे पहले डायग्नोस होती है, 8 महीने के लिए होती है, और एक और दौरानिया होता है जो कि तकरीबन 18 से 24 महीने तक का होता है, जो कि आम दवाइयां जो कि टीबी के इलाज के लिए होती है वो अगर असरअंदाज नहीं कर पाती तो उसकी ट्रीटमेंट जो है बढ़ जाती है 2 साल तक। उसके अलावा साथ साथ मेरे ख्याल में सामईन को और देखने वालों को इस चीज के बारे में बिल्कुल प्रॉपरली पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में, अगर आपको खुद या अगर आपके किसी जानने वाले को टीबी है तो इसका मतलब है आपके पूरे खानदान या पूरे घर वाले जो हैं उनको चांस हो सकता है कि उनको टीबी हो, जिसके लिए, जिसके इलाज के लिए भी सर्विसेज जो है आओ टीबी मिटाओ की कैंपेन करती है, उसको पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि
तमाम खानदान को मुफ्त इलाज भी उसके लिए आप लोग दे रहे होते हैं। अच्छा, आओ टीवी मिटाओ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपने हेल्पलाइन का जिक्र किया कि अगर कोई घर बैठे भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस की इतनी ज्यादा कमी है कि आप जो है वो अवेयरनेस देते रहे लेकिन फिर भी लोग जो है वो इसको इग्नोरेंस की तरफ डाल देते हैं, दही इलाकों की बात करते हैं जहाँ पर हेल्पलाइन सर्विसेज के लिए लोग आगे नहीं बढ़ते कि जी फोन करके हम डॉक्टर को क्या बताएंगे, वो तो डॉक्टर के पास जाना ही मुनासिब नहीं समझते। तो ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों को जहाँ पर अवेयरनेस देना भी एक बड़ा टास्क है, वहाँ के लिए हेल्थ सर्विसेज क्या कर रहे हैं? सो इस वक्त मैंने शुरू में आपको मेंशन किया था कि हमारी मोबाइल एक्सरे वैन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आओ टीबी मिटाओ का लोगो बना हुआ है, ठीक है, ये शहर भर में फिर रही है। इस वक्त तकरीबन 11 से 12 वैन्स हो चुकी हैं और अब आगे जाके 40 वैन्स होंगी। ये जो है ये इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं, वहाँ पर जो है हम जाते हैं, कम्युनिटी कैंप्स अरेंज करते हैं और लोगों को बाहर निकालते हैं, उनके एक्सरे मुफ्त करते हैं, अगर उनको कोई सिम्टम्स होते हैं उनका बलगम लेते हैं, फिर उसको फ्री टेस्ट करके, मतलब कैंपेनिंग आप इन इलाकों में भी कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अवेयरनेस। सिंपल याद रखना है, एक मुक्का लाल कलर का बेसिकली बना हुआ है उस वैन के ऊपर, अगर आपको वो कहीं भी नजर आए और कहीं भी लगी हुई हो आप फौरन जाइए वहाँ पे, कहें कि मैंने अपना एक्सरे करवाना है। सही, यानी ये जो मुट्ठी का निशान है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टीवी के हवाले से जो भी कोई प्रॉब्लम है। तो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए नंबर भी रिपीट कर देते हैं, 111-982-982। अगर आपको ऐसे कोई भी साइन एंड सिम्टम्स से फील हो रहे हैं तो बिल्कुल फील फ्री और यहाँ पर कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और हमें कोई इंडिकेशन आ रही, जी 2016-2017 हमारी टीम के लिए एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और साथ साथ हम लोगों को सक्सेस भी बहुत हाईली नज़र आई है। इस सक्सेस के साथ साथ जो है आओ टीबी मिटाओ जो है वो स्प्रेड कर रहा है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और पेशावर के अंदर जो है आज जो है हम लोगों का लॉन्च भी है, लाइक इट्स द लॉन्च इज अबाउट टू हैपन। चलिए, आज जो आपका लॉन्च है उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज, हम सब आपके साथ हैं कि आपका जो कॉज है वो कामयाब हो। लेकिन ये बताएं कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं या एज टीम काम कर रहे होते हैं तो जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं वहाँ बड़े सारे चैलेंजेस भी होते हैं, तो क्या चैलेंजेस आप लोगों के फेस करने पड़ते हैं? राबिया, लॉन्च, व्हेन इज द लॉन्च? अच्छा, हाँ जी, सॉरी आई करेक्शन, हम कल से इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, चैलेंजेस जरूर डॉक्टर उमर आपको बता, चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए, जब आप करते हैं काम इस तरह के, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, तो उनको बाहर लाना, उनसे उनको कन्विंस करना कि जी आप आके अपना टेस्ट कराएं, कोई कन्विंस नहीं होता लोगों को, ये समझाना, इसीलिए मैं देही इलाकों की बात कर रही हूं। बिल्कुल, फिर दवाइयों पे एक वो दिलवाना कि जी नहीं ये मुफ्त है लेकिन ये सही दवाइयां हैं, सही दवाइयां, फिर ये कि वो अपना ट्रीटमेंट पूरा करें, उसमें भी एक बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग पोलियो टीम्स पे अब इंतजार नहीं करते, पोलियो टीम्स वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, और क्योंकि ये इलाज लंबा है तो इसमें इनको बहुत लाइक होता है कि नहीं जी हमने अब 2 महीने हो गए हम ठीक हो गए। इसमें एक और पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि हम जब भी बात करते हैं किसी टीबी पेशेंट के हवाले से, लोग उसको बड़ा ना कॉर्नर करना शुरू कर देते हैं कि जनाब हमारे घर में तो ये मर्ज है और क्योंकि ये फैलता है, क्योंकि ये हवा के थ्रू एक दूसरे को मुंतकिल होते हैं, तो काफी वो उसको कॉर्नर पे करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिएगा। प्लस ये कि अगर बाकी ही में अपने आपको इस चीज से आपने बचाना है और घर में कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है तो क्या किया जाए, घर के अंदर रहते भी आप किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं? तो एक बहुत जरूरी चीज है ये, देखिए बहुत ज्यादा अक्सर यही होता है कि हम उस इंसान को इतना ज्यादा वो चीज फील करवा देते हैं कि वो स्टिग्मा की वजह से लोग सामने नहीं आते। एक तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है, ठीक है, ये हवा से फैलती है, लेकिन इसका बहुत आसान तरीका है, जैसे ही आपका इलाज शुरू होगा उसके दौरानिए में एक हफ्ते से एक महीने के अंदर अंदर जैसे ही आप बिल्कुल बाकायदगी से दवाई लेंगे आपकी जो कैपेसिटी होती है कि आप दूसरे को लगा सकें वो खत्म हो जाएगी विद इन अ वीक मैक्सिमम, हम कहते हैं सेफ होने के लिए एक महीना, ठीक है। शुरू शुरू में जब वो इंसान खांस रहा हो या छींक रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि वो जो एक ग्रीन रंग का मास्क होता है वो हम देते हैं वो पहन ले, अगर नहीं है तो अपना मुंह कवर कर ले, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और आसपास के लोगों को भी कवर लगाना चाहिए? नहीं, अगर वो लगा ले ये काफी है। एक बहुत जरूरी चीज जो लोग समझते हैं कि जी मैं इनके साथ खाना खा रहा हूँ या प्लेट शेयर कर रहा हूँ, इससे ये बीमारी नहीं फैलती, वो स्नीजिंग है या कफ है उसकी वजह से वो जर्म्स जो हैं, बस वो बकायदगी से दवाई खाएं, उसकी वो कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। एक चीज सॉरी मैं बहुत जरूरी जो आई थिंक हमने मिस की है वो है बच्चे। मैं वही अभी उन्हीं के ऊपर आ रही थी कि बच्चों में भी ट्यूबरक्लोसिस जो है बड़ा कॉमन होता जा रहा है और ज्यादातर लोगों की आंखों के ऊपर
आप देखें कि जो है ना बड़ी इफेक्ट पड़ रहा है लोगों की किडनीज के ऊपर, बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है जो ग्रोइंग किड्स हैं उनके अंदर बड़ी कॉमन होता ये है कि बच्चे जो होते हैं उनकी उनकी टीबी जिस तरीके से दिखती है या फिर उसके जो सिम्टम्स नजर आते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं और उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो इतनी जल्दी वेट लूज भी नहीं करते हैं, उनका आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। खांसी के अंदर बलगम छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग की सर्विसेज जो हैं वो चाइल्डहुड टीबी की भी मौजूद हैं जो कि एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रही हैं। लाइक सिम्टम चेक होता है शुरू के अंदर, फिर उसके बाद लंबी सी लाइक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है उस छोटे बच्चे की ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के ऊपर लाया जाए और इंश्योर किया जाए कि ट्रीटमेंट जो है बेसिकली कौन सी एज में हिट करता है ज्यादा, कौन सी एज आप समझते हैं कि इस एज में ज्यादा बच्चे को हिट कर सकते थी? सो अ चाइल्ड कुड बी एनीवेयर एनीवेयर लाइक सो लाइक ओके सो कुव्वत मुदाफियत छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो कि इन्फेंसी से लेकर तकरीबन 3 से 4 साल तक के होते हैं उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत जो कम होती है जो कि तकरीबन 12 साल की उम्र तक भी जा सकते हैं। और ज़ईफ लोग जो होते हैं जो कि 55 एंड अबव होते हैं उनकी भी कुव्वत मुदाफियत कम होती है। इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि मैलन्यूट्रिशन हो या दूसरी चीजें उसकी वजह से भी ये होती हैं। एक चीज बहुत जरूरी है कि किसी भी घर में अगर किसी शख्स को टीबी है उसके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं ठीक है उनको तो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट जरूर देनी होगी, ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो 5 साल से छोटे बच्चे को जिनका इन्होंने बताया था कि जी हम जो ये देते हैं एक्सपोजर ट्रीटमेंट पोस्ट एक्सपोजर थेरेपी उनको जरूर देनी पड़ती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। चले जनाब थैंक यू सो मच डॉक्टर राबिया एंड डॉक्टर उमर हमारे साथ थे और ओवरऑल जो टीबी के हवाले से कंपेयर चला रहा है उसके लिए तो आपको बेस्ट विशेष देना ही चाहेंगे और हम जानते हैं कि आज के इस सेगमेंट के थ्रू आप लोगों को भी काफी हद तक समझने को मौका मिला होगा कि आखिर टीबी है क्या और इससे किस तरह से बचा जा सकता है और अगर कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है इस हवाले से कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी हेल्पलाइन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 1111982982। सो आओ टू बी मिटाओ गुड मॉर्निंग आज में यह वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा बट डोंट गो एनीवेयर स्टे विद अस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज।